अभी आ गई और सिस्टर चलो चलो फिर क्यों जाऊँ। हाँ जब तो जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। तो जी हम आए हुए थे अकरम भाई के घर, तो भाभी लेके आई है माशाल्लाह। आज बाजार को मेरे ख्याल लूट लिया इन्होंने। और बाजार वाले लूटने कहाँ देते हैं, वो तो खुद ही लूट लेते हैं। वो तो खुद ही लूट लेते हैं, ये तो आगे का जमाना वो है। जहाँ 100 रुपए की चीज थी वो आज 300 की हो रही है, जो 300 की थी वो 600 की हो चुकी है। महंगाई ने तो गरीब बंदे की मैं कहती कमर तोड़ के रख दी। गरीब बंदा जाए तो जाए, बच्चों की फरमाइशें पूरी करें, घर का खाना पीना पूरा करें, पेट का करें, बच्चों के स्कूल का करें, क्या करें तो समझ नहीं आती अकरम भाई ना। अच्छा तो ये जी पहले तो हाजरा का दिखाते हैं जी। हाजरा का लेके जा रहे हॉस्पिटल, हाजरा की तबीयत खराब, और क्योंकि इसके जो यहाँ से सीना है एक साइड से ना, ये जगह ये भी उठ चुकी है, और इसका बीपी भी ज्यादा लो रहता है, और रंग भी इसका बिल्कुल पीला हो जाता है बच्ची का। तो माशाल्लाह जी अब हो चुकी है तैयार। हाजरा आओ दिखाओ जरा, जूता पहन ले अभी हाजरा, अभी जूता पहन रही है ना। और ये सूट किसका है अकरम भाई? ये वसीम का है माशाल्लाह, क्योंकि ये जल्दी में लिया है ना, तो सिलाई तो हम खुद कर लेते हैं, अगर दूसरे लेते हैं हाँ जी तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस वजह से हमने कहा कि वो सिलाई वाले ले लेते अच्छा। ये तो अकरम भाई का, ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे पता है कि मेरा भाई ऐसे साफी जुन से ना रुमाल ऐसे ही लिखता है। ये अभी गर्मी आ रही है ना, और ये इसका भी सूट नया आया है आज माशाल्लाह, आज दिखाओ लेकर अभी पहना है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम करो जी, नहीं सब अंकल आंटी को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? अच्छा स्कूल जा रही हो आप? अच्छा तो दांत कहाँ गए आपके? चूहा ले गया, चूहा ले गया हुआ। ये भी और दूसरी शॉपिंग भी आपको भाभी नादिया दिखाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस किस की क्या चीज है। ये जूते, ये वसीम के जूते, ये जूते वसीम के, क्योंकि जूतों पे माशाल्लाह मैंने लिया है ब्लैक कलर का, क्योंकि स्कूल में ब्लैक कलर हाँ के जूते इस्तेमाल होते हैं। अभी जैसे गर्मियां आ रही है ना, तो ये सैंडल स्कूल वाले वैसे स्कूल वाले सैंडल ही चलेंगे, शूज तो खत्म हो। फिर मैंने सोचा एक बार ले लेते हैं ये ना, क्योंकि जूतों पे माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए। और बाकी देखते हो जो कपड़े जो चीज होंगे। और ये आपके भाई का शूज है भाईजन, मार के चेक करो, लगा ले नहीं तो मैं मार के दिखाता हूँ। मैं कह रही आज फिर बिना कहता हूँ अकलम की शामत आ गई, हकीकत है भाई। ये देखें जी, चले रहने दे, भाई भाई होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, लेकिन भाइयों का बड़ा मान होता है। और भी है सामान इसमें, ये अल्लाह पहने नसीब कर, ये ना जो दिखाए ना इसको ना एक साइड, ये एक साइड पे किए जा रहे हैं। ये रुमाल भी मैंने दिखा दिया हुआ है, और दूसरा वाला डिब्बा जो है ये खोलते हैं। अच्छा तो इसमें ये, क्या भी है? ये भी वसीम का एक सूट है, ये भी वसीम का, ये भी सिला हुआ है, वो भी सिला हुआ है, माशाल्लाह कलर दोनों प्यारे हैं। और एक जो है दर्जी को अभी देख के आया, मैंने कहा कल ले लेंगे, मैं अपना सूट भी उधर से लिया उधर दे दिया। और ये इब्राहिम का लिया, ये इब्राहिम का ब्लू कलर माशाल्लाह बहुत उधर पड़ा है, वो दिखा दो साथ। और दूसरा इब्राहिम का ना मैंने ये वाला, अच्छा ये पेंट शर्ट ली है जी। चलो सही है, ईद पे काम आ जाएगी, ये ईद की शॉपिंग हो रही है? नहीं ये शादी पे जा रहे हैं। शादी किसकी? वो ना अल्ताफ भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि शादी है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं उधर जाए, आज नहीं आज नहीं है, बस कल का दिन है शायद। हाँ उनके रिश्तेदारों की शादी है। और एक हाजरा ने वो सूट पहना हुआ है, और दूसरा मैंने ये वाला लिया है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पैकिंग जो होती है ना इसकी, इसको खोल के चेक करते हैं, खोल के चेक करते हैं, दिखा देंगे, दिखाते हैं जी हम अपने बहन भाइयों को। तो जी माशाल्लाह बच्चों का लगते हैं तो हल्के कलर है, लेकिन क्या करें मट्टी वाले घर है ना, तो भाभी थोड़े थोड़े ना डार्क कलर ले लिया करें उनका। ये ऐसे है ना, ये मुझे प्यारे बहुत लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने ले तो लिया है जी जी, लेकिन ये ना बच्चे साफ रखते नहीं है। हाँ जी, क्योंकि भाई मट्टी वाले घर होते हैं ना, तो जैसे बच्चों का पहनाए उधर से ही वैसे ही गंदे हो जाते हैं जी। फिर हमारी ऑडियंस जो हमारे बहन भाई देखने वाले आते हैं ना, फिर वो कहते हैं जी बच्चों को साफ नहीं रखा, लेकिन ये नहीं पता होता कि माए तो साफ रखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है ना वो मट्टी लगा लगा के परेशान करते हैं। तो माशाल्लाह जी बड़े अच्छे
शॉपिंग की है भाभी ने, अल्लाह बच्चों के नसीब में करे, आमीन। इन्हें पहनना नसीब फरमाए, आमीन। तो ये मैं इसी में डाल रही हूँ भाभी, ठीक है। अच्छा, तो अपनी कोई चीज नहीं ली? अपनी ली है, वो अभी दिखाऊंगी, एंड में दिखाऊंगी। अच्छा, अपनी एंड में दिखाएंगे, इसका मतलब भाई अकरम ने जो सरप्राइज जो गिफ्ट दिया है वो भाभी की सरप्राइज मुझे बाद में दिखाएंगे। तो ये आ गए शूज, ये तकरीबन इसका होगा। अच्छा, हाँ जी, ये क्योंकि मैं सिस्टर ये अंगूठे वाले और दूसरे जो होते हैं ना, ये एड़ी ऊंची एड़ी वाले, अब मुझसे भी नहीं पहनना चाहते वो, मैं नहीं पहनती, बस सादे से। अब मैं भी नहीं पहन सकती हूँ ना वो भी। तो एक ये भी बहुत प्यारे हैं जी, गोल्डन जंक्शन है ना, और ब्लैक हर सूट के साथ मैचिंग हो जाती है इसमें। और ये इब्राहिम का एक दिया है, ये इब्राहिम का जूता, क्योंकि उन्होंने खुद पसंद, मैंने ये एक लिया है। अच्छा, ये सारे शॉपिंग एक साइड पर। अच्छा, आपने सिला सिलाया लिया? सिला सिलाया, क्योंकि टाइम नहीं था, आपके भाई ने कहा है कि आप ना सिला सिलाया ले लें, बस सही है ना, बाजू लगाने हैं। वो तो बाजू लगा लेगी, खुद बाजू लगा लेगा, सही है, माशाल्लाह बहुत प्यारा, क्योंकि शादी वाले दिन पहन लूंगी। हाँ नहीं, माशाल्लाह अल्लाह पहनना नसीब फरमाए, आमीन। बहुत प्यारा माशाल्लाह। तो इसके साथ जो पजामा या अलग से? हाँ, इसके साथ जो है वो पजामा, ये भी है एक और भी लिया, लेकिन ये नहीं चलेगा इसके साथ, ये नहीं चलेगा, मैंने दूसरा लिया है, ये वाला टाइट से लिया है। हाँ। अच्छा, तो टाइट से ले लिया भाभी ने, चले सही है, क्योंकि ये ना रबड़ी किस्म का होता है ना ऐसे, कि जो ये सही रहता है। हाँ। ये सही रह जाता है, तो ये वाला जो है ये जल्दी फट जाता, ये जल्दी फट जाता। आपने इतना क्या काम करना था इसके साथ, करना फालतू कपड़ा लेके ना आपने इसमें डाल लेना। तो टाइम नहीं था, मैंने कहा और कपड़ा डालूंगा, और ये इसको रख देती हूँ। हाँ जी, फिलहाल तौर पर ये इस्तेमाल कर लूंगी, और जैसे ही वहाँ से आऊंगी तो फिर इसके साथ का कपड़ा लेकर फिर इसको। भाई बच्चों की शॉपिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और सबसे अच्छी शॉपिंग जो मुझे लगी है हाजरा की और भाभी नादिया की, जी बहुत प्यारी शॉपिंग है। मैंने भी एक सूट लिया जी, जी वाइट। अच्छा, आपने वाइट लिया, सिला सिला है? नहीं, कॉटन का लिया, दे के। अच्छा, दे आया कलर भी इसका बहुत प्यारा है जी। इसके एक दो और भी कलर थे, लेकिन मुझे यही पसंद है, कलर आजकल ये बहुत चल रहा है। कैक्शा का मैंने लेके दिया था ना ईद पे, वो भी यही कलर था, ये कलर अच्छे यही लगते, अच्छे यही लगते। और भी सामान है, लगी सिस्टर बहुत प्यारी बहन भाई, आपने बताना है कि शॉपिंग कैसी लगी हमारी भाभी की। आप अभी ना इसको हम अभी पैक करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी शॉपिंग थी तमाम बहन भाइयों ने देख ली है। हाँ जी जी, ये भी तो हाँ जी, ये मेहंदी, और ये मेरे ख्याल से पार्ले ब्लीच, पार्ले की पार्ले में खुद हमने भी काम किया इस कंपनी में, पार्ले में। और ये क्रीम बेस, हाँ जी बेस है ये। और ये चूड़ियाँ पैक हुई हुई है, सिंपल होती है, शादी में वो पारे वाली दूसरी नहीं पहनती, वो उनका कलर ही उतर जाता है। तो मैंने ये शादी सी, और ये पोनी है, शोनी है, ये बच्चों की चूड़ियाँ, और ये कैचर, माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग है, बहुत अच्छी शॉपिंग है। चले भाई पैक कर दे फिर इन्हें, मुझे कर ले पैक करके दे दे जी, क्योंकि चीजें दिखाने से पहले डन हुई थी ना, साथ में साथ पैक कर रही हूं। हां पैक कर, हां चले जाना है, ऐसी कौन सी, क्योंकि जब मुकरना नहीं है भाई, अब आपने नहीं, मैं नहीं मुकर रहा, आज तो जुतियां पड़ी हुई है यहाँ पे, ये जुतियां भी ले जाए ना, नहीं मैं मारूंगी फिर। हम तो नहीं मुकरेंगे, लेकिन आप मुकर जाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये भाभी और भतीजे मेरे पहनेंगे, मैं कैसे मुझे पता है हमें क्या है भाई, ये मजाक कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला मेरे भतीजा भतीजों को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को पहनना नसीब फरमाए। हमारी एक ये फनी वीडियो थी, क्यों हंसते खेलते हैं कि हमारे बहन भाई भी हंसते, लड़ाई झगड़ों में क्या रखा होता, कुछ भी नहीं रखा होता। लेकिन आपने गिफ्ट मुझे अभी तक दिखाए नहीं, वो भी मुझे दिखाने से इनकार कर दिया कि आप लेना जाए, ठीक है भाई, मैं तो फिर जा रही हूँ, खाना पीना है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना भाई, चलो फिर क्यों जाऊँ,
जब खाना पीना कुछ नहीं तो आए घर में, आप आई हो तो आपने खाना पीना। भाई मैं आई हूँ गिफ्ट देखने के लिए, मुझे गिफ्ट देखने के लिए। पहले खाओ पियोगी तो गिफ्ट आपको दिखाएंगे वरना नहीं दिखाएंगे। मैंने कुछ नहीं खाना पीना, नहीं खाना तो जाओ, फिर इधर आई क्या करने हो। मैं तो वैसे आई हूँ अपने बच्चों को मिलने के लिए आई हूँ। पहले आप ना कुछ खा लें, बाद में हम आपको गिफ्ट भी दिखा दें। वे देख लें, धक्के मार के निकालना सही है ना, धक्के मार के निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इधर खाने पीता भी कुछ नहीं है उसको धक्के मार के निकालना है। मैं आपको ना निकालू धक्के मार के, मुझे क्यों निकालेगी, मेरा घर है। आपका घर है तो फिर खाने पीने का क्या इनकार है। मैं नहीं खाती बस, जब मुझे गिफ्ट नहीं दिखा रहे। अगर ये इस चीज की फर्क नहीं समझ रही कि ये आपका घर है तो आप खाएं पिए हमारे घर से, आप जो दिल कहता है आप हमें बता दे, हम बना कर देते हैं आपको खिलाते हैं। उधर से आ गई, मुझे ना गिफ्ट दिखाओ, गिफ्ट दिखाओ। हाँ तो मैं फोन से क्या क्या गिफ्ट देख लो, तो मैं आई हूँ गिफ्ट देखने। खाना पीना कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाना। फिर जाओ। मैं क्यों जाऊँ, मैं पागल हूँ। हम पागल नजर आते हैं आपको, हो पागल आप तो। बहन भाई हमारे देखने वाले भाई ये तो है पागल, ये ना मैं कोई पागल नहीं। सिस्टर है आई है, फिर इन्होंने सुला भी नहीं मरी, इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, ऐसे बस सिस्टर को बिला भाई। ये तो है ही पागल, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, वाकई पागल है। वो कहते पागल को अगर पागल कहे तो उसको गुस्सा लगता है। आप पहले हमारे यहाँ कुछ खाए पिएंगी तो फिर हम गिफ्ट दिखाएंगे, ना तो नहीं। झगड़ा खत्म करे, जब तक ये कुछ खाती पीती नहीं है, कुछ भी नहीं इसको दिखाएंगे, चाय ये अभी के अभी इधर चलिए। बहन भाइयों मजाक कर रहे थे हम, बात नहीं है, मैं खाऊंगी भी पीऊंगी भी, लाए पानी, लाए मैं पानी पीती हूँ। पानी पिलाते हैं इसको।